हेलो दोस्तों, मैं लिपुन बिंदास क्लास एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इम्पोर्टेंट डेट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 22 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त, ना ऑप्शन सी 30 अगस्त, ना ऑप्शन डी 29 अगस्त। हिंदी में भी अवेलेबल है, जो भी दोस्तों इंग्लिश या हिंदी में कुछ किसी में भी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो हर साल भारत महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती मनाने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मानता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ध्यानचंद के बारे में द यूजर के नाम से जाना जाता है और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान 1000 से अधिक गोल किए थे। उन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वेर वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज्ड? विश्व जल सप्ताह का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए 21 से 25 2020, ना ऑप्शन बी 25 से 29 2020, ना ऑप्शन सी 26 से 28 2020, ना ऑप्शन डी 23 से 27 2020। तो बताइए दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ष 2020 के विश्व जल सप्ताह को 26 अगस्त 2020 से 28 अगस्त 2020 तक घर पर विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक जल मुद्दों को बदलने के लिए विश्व जल संस्थान को प्रतिवर्ष सबसे प्रभावशाली अभिनव और गतिशील आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द वर्ल्ड गुजरात डे ऑब्जर्व? विश्व गुजरात दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 23 अगस्त, ना ऑप्शन बी 25 अगस्त, ना ऑप्शन सी 19 अगस्त, ना ऑप्शन डी 26 अगस्त। बताइए दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि विश्व गुजरात दिवस 2020 26 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध गुजराती कवि और समाज सुधारक नर्मदा शंकर दुबे की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें वीर नर्मदा के नाम से जाना जाता है। विश्व गुजराती दिवस गुजराती भाषा और साहित्य को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन 2020 ऑर्गेनाइज्ड? दास व्यापार और उसके सम्मूलन 2020 के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 22 अगस्त, ना ऑप्शन बी 20 अगस्त, ना ऑप्शन सी 24 अगस्त, ना ऑप्शन डी 23 अगस्त। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। गुलाम व्यापार और उसके सम्मेलन की याद के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि दास व्यापार और इसके संबंध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी फैलाई जा सके और सहिष्णुता और मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ ओहोत्सुट डे 2020 का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन ए 21 अगस्त, ना ऑप्शन बी 22 अगस्त, ना ऑप्शन सी 23 अगस्त, ना ऑप्शन डी 24 अगस्त। बताओ दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी है इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ना ऑप्शन बी 20 अगस्त, ना ऑप्शन सी 25 अगस्त, ना ऑप्शन डी 1 सितंबर।
तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ठीक है, विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मलेरिया के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्डो रोस द्वारा की गई खोज को मनाने के लिए मनाया जाता है कि मादा एनोफिलिस जो मच्छर को मनुष्यों के बीच मलेरिया देती है। ये वो जो ब्रिटिश का डॉक्टर है सर रोनाल्ड उसी दिन इसका आविष्कार किए थे, इसलिए उसी दिन को मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, सद्भावना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 17 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी 20 अगस्त। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 अगस्त 2020 राजीव गांधी की 76वीं जयंती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो अपना ऑप्शन डी, विश्व फोटोग्राफी दिवस जिसे विश्व फोटो दिवस के रूप में भी जाना जाता है 19 अगस्त को प्रति वर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर के फोटोग्राफर को अपनी दुनिया की साझा करने के लिए उद्देश्य में से एक ही फोटो साझा करने के लिए प्रेरित करना है। यह दिन कला, शिल्प, विज्ञान और फोटोग्राफी के इतिहास का जश्न मनाना जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, बांग्लादेश ने किस तारीख को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 16 अगस्त। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। बांग्लादेश 15 अगस्त को अपनी संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की क्रूर हत्या की 45वीं वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय शोक दिवस मना रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलें हमारा आखिर क्वेश्चन में, आज की क्लास के आखिर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व अंगदान दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अगस्त, ऑप्शन डी 9 अगस्त। ठीक है, तो बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है ताकि लोगों का मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने छठवां विश्व और पहली बार भारतीय अंगदान दिवस का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। तो जरूर कमेंट बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।